सो हेलो दोस्तों, एक नए ब्लॉग में मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। मैं बबीता माठल आपके फैमिली में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज है सक्रांत, हमारे यहाँ पे सक्रांत मनाई जाती है हरियाणा में। तो सबसे पहले हम सुबह उठते ही नहा लिए सारा परिवार और पूजा पाठ कर दिया है। और मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया आज। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो है छोले उबलने के लिए रख दिए हैं और आटा लगा दिया है पूरियों के लिए। और बाहर जो है हमने आग जलाई है, दिखाती हूँ चलिए आपको। हर घर में ऐसे आग जलती हुई मिलेगी। ये लगा दी ये बाबू, ये देखिए इसमें हम डाल रहे हैं मूंगफली, खीर, रेवड़ी, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठेंगे और फिर अंदर जाके हलवा बनाएंगे। आज के दिन हलवा ज़रूर बनता है हमारे घर पे। दोस्तों आज जो मैं है बनाऊंगी छोले पूरी और हलवा, और कंजके बिठाऊंगी। कंजके इसलिए बिठाऊंगी क्योंकि मेरी माँ और मेरी बहन गए हैं वैष्णो देवी और अभी आ रहे हैं, ट्रेन से उतर लिए हैं। तो आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि एक साथ सारा परिवार आ जाएगा। एक 7 दिन हो चुके हैं उनको गए हुए और आज के दिन वो आएंगे। वैसे भी त्यौहार का दिन है और वो घर पे वापस आ रहे हैं सही सलामत, अच्छे से दर्शन हो गए थे उनके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मेरे चैनल पे बने रहिए। अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ और फिर उसके बाद मैं सबको फ़ोन करके बात करूँगी, अपनी नंदों से और मम्मी पापा से। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं उनके आशीर्वाद के साथ। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में सबसे पहले मैं सब्जी में तड़का लगाने वाली हूँ छोलों में, क्योंकि बाबू का जो है ड्यूटी का टाइम हो गया, तो सबसे पहले उसको खाना बना के देना पड़ेगा और उसके बाद चाय पीऊँगी मैं। ये देखिए दोस्तों, पूरियाँ जो तलनी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले गाय के लिए निकाले गए, यहाँ पर सब्जी बन चुकी है, आटा तो लगा ही रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो दोस्तों, काम पूरा हो चुका है, सारे घर की सफाई हो चुकी है। अभी इंतज़ार है बस मम्मी वगैरह आ जाए अच्छे से। वो ट्रेन में बैठ चुके हैं, अभी थोड़ी देर में ही पहुंचेंगे। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ आपको आगे क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे कंजके जमाते हैं हम। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। ये आगे माता पिता वो सी नमस्ते आ गई रे माता की। क्या माए हो उठते ही को सुला लिया। ये आ गया सामान इनका। मार की तरह की माँ जय माता की आ रही है माँ। तू तो ना लग है मन तबियत सा। ओ भाई ब्लैक ब्यूटी बन रहा मनजीत तो आज। ये लेके आए मेरे लिए वैष्णो देवी से एक चूड़ा, एक फोटो वाला की चैन और एक सिंदूर की डिब्बे। ये देखिए दोस्तों, मेरी माँ जो है हलवा बनाने की तैयारी कर रही है। क्या का हलवा बनाओगी माँ? बेसन का। बेसन का हाँ। सही है, कढ़ाई में घी डाल दिया, अब बनेगा हलवा। और यहाँ पे बनेगी पूरी और छोले पहले ही बन चुके हैं। ये मम्मी ने डाल दिया बेसन घी में और अब बना दिया बेसन है। ये देखिए दोस्तों, पूरी जो उतर रही है यहाँ पे उतर के रख दी, बना के कंद के खा रही है खाना। अब इधर से
मैं उधर घूम का था। अब लास्ट में अब ये आशीर्वाद दीजिए, ऐसे में बैठ जाऊंगा नीचे। अब देखो वापिस एक बार हो। हेलो दोस्तों, आज हम सकरात है तो हम पार्टी कर रहे हैं और हम ट्राई करने जा रहे हैं मोमोज। जिंदगी में पहली बार मैं मोमोज खा रही हूँ। मैंने नहीं खा रखे, जिंदगी में पहली बार मैं मोमोज ट्राई करूंगी। मोमोज के साथ ठंड बहुत ज्यादा चटनी है, मोमोज के साथ उन्होंने दी है एक वाइट चटनी दी है और एक रेड चटनी दी है। चलिए मैं दिखाती हूँ कैसा है इनका टेस्ट। ये आ गए हमारे मोमोज, फाइव मोमोज, हाफ प्लेट ही मंगाई है क्योंकि हमें पता नहीं है इनका टेस्ट कैसा होता है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इनकी फीलिंग दिखाऊंगी। ये गई वाइट चटनी, ये मेयोनी, लाल वाल तो सबसे, ये मेयोनी है, लाल वाल तो सबसे तीखी है। और अभी जाएगी रेड चटनी, पूरी इसमें प्लेट में निकाल लेंगे, इसको साइड कर दो। एक साइड में जाएगी रेड चटनी, तो चलिए अभी मैं इसकी फिलिंग दिखा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ और इन्होंने मसाला डाला है, मसाला, और ये अंदर देखिए बहुत ज्यादा टेस्टी है लग रहे। अभी ये टेस्ट करके दिखाएगी गोलू मैं भी। और छवि, ये मिर्ची वाली है। कैसे लगे? बहुत टेस्टी है। मस्त है। मैं ट्राई करूं? ये देखिए दोस्तों, मोमोज जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, तो अभी ट्राई करेंगे मंचूरियन। मंचूरियन निकालो। इसमें रेड चटनी आती है। इसमें भी एक रेड चटनी दी है। देखो मैं निकाल लेती हूं। तीनों में रेड चटनी आएगी। गोलगप्पे में भी रेड चटनी। स्पून ले आए थे? ये दिखाओ। मैं दिखा देती हूँ, पैकिंग अच्छी है। और ये देखिए दोस्तों, कितनी थिक ग्रेवी है। ये देखिए बिल्कुल गरम गरम है। चलिए इसको भी टेस्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है ट्राई करके दिखाएंगे अपनी मंचूरियन। कैसी है? मोमो ज्यादा टेस्टी थे या मंचूरियन? मंचूरियन इसमें देखो, इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रेवी है। ये भी है, आपको ग्रेवी वाली पसंद है ना, इसलिए मेरे 50-50। ओके, बाहर भी है और अंदर भी बहुत सारी चीजें डाली हुई है। लास्ट और नेक्स्ट क्या आ गया गोलू? गोलगप्पा। मोटा है। ये आ गए हमारे गोलगप्पे, एक ग्रीन पानी रेड और एक रेड, और साथ में दिए हैं मसाला। ये आ गया, यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है पानी की, किसको क्या क्या लेना है। ये तो मेरा ही है। सभी को कौन सा पसंद आया? ये मीठा, मुझे मिर्ची वाला, मुझे ग्रीन है, और इसको तीखा। तो इसका चला गया उधर। मैं रेड भी ले सकता हूँ। मैं रेड भी ले सकता हूँ। ओके, ये इतने बड़े बड़े गोलगप्पे हैं और ये मसाला दे रखा है उन्होंने। चलिए इनकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। ये वाले लो। सबसे पहले अब इसमें डालेंगे आलू और छोले, और मेरे को मीठा पानी पसंद है तो मैं मीठे के साथ ट्राई करूंगी, और जिसको जो पसंद है उसी के साथ ट्राई करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि किसको क्या क्या पसंद है। ये मेरा गोलगप्पा है, ये मेरा गोलगप्पा है, और ये छवि है, और ये खुद अपने हिसाब से बना रहे हैं। ये हो गई हमारी पार्टी कंप्लीट सकरात की। कैसी लगी भाई बच्चों? बहुत मजेदार। मेरा सबसे बड़ा है गोलगप्पा, मतलब कि सबसे ज्यादा। तो चलिए वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अगर आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर डालें।